गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमारा चैप्टर 2 है साइंस, तो कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग पहला पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम जो कंपोनेंट हम लोग का बॉडी रिक्वायर कर रहा है, जो कंपोनेंट हम लोग का बॉडी को ज़रूरत है अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, सर्वाइव करने के लिए और वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होता है कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, मतलब वैसा कंपोनेंट जो हम लोग का बॉडी को चाहिए अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट। हम लोग का बॉडी जो चाहिए वाटर, तो वाटर क्या है? कंपोनेंट है, तो वही कंपोनेंट कहलाता है न्यूट्रिएंट, मतलब इसेंशियल कंपोनेंट नीडेड बाय आवर बॉडी। जितना भी ज़रूरी कंपोनेंट है हम लोग का बॉडी को चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे कि हाँ वह न्यूट्रिएंट है। इसेंशियल कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, essential component that are needed by our body to grow is known as nutrient। फिर हमारा nutrition। nutrition क्या होता है? process of consuming nutrient, जो हम लोग nutrient का process, जो हम लोग nutrient consume कर रहे हैं, जो हम लोग nutrient ले रहे हैं, उसी के process को हम लोग बोलेंगे nutrition। मतलब हमारे जो हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड ले रहे हैं अपने अंदर, उसी को हम लोग बोलेंगे कि हाँ न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन होता ही है जो प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के प्रोसेस को कंज्यूम करना अपने ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। हमारा बॉडी मेनली 5 न्यूट्रिएंट का बना हुआ होता है। हमारे बॉडी को मेनली 5 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, 5 मेजर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट वो प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये 5 हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। फैट को भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन और मिनरल जो हमारा एक प्रोटेक्टिव फूड है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। इन एडिशन आवर फूड रिक्वायर वाटर एंड रफेज, मतलब इन सारे न्यूट्रिएंट के अलावा हमारे बॉडी को पानी और रफेज की भी ज़रूरत होती है। हालांकि ये कोई एनर्जी गिविंग या बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बिना भी अपने बॉडी को, हमारे बॉडी परफेक्ट नहीं है। वाटर तो हम लोग का पूरा, हम लोग जान रहे हैं कि हमारा पूरा 70% पार्ट हम लोग का बॉडी का जो वाटर का ही बना हुआ है, तो हम लोग को इस सबसे अलावा भी हम लोग को पानी और रफेज का ज़रूरत होता है। रफेज मतलब सलाद वगैरह जितना भी होता है हमारा, सब रफेज में आया। तो इन 5 मेजर न्यूट्रिएंट के अलावा हमारे पास वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है, जिसके जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है। पहला, अब हम लोग इन 5 के बारे में डीपली पढ़ेंगे। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, हम पहले ही बताए हैं कि ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ये हमारे फूड में फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च के फॉर्म में, हम लोग के फूड में फाउंड होता है ये शुगर और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है फाउंड, मतलब कौन कौन से फूड में हम लोग पाते हैं कार्बोहाइड्रेट? जो होता है हमारा ब्रेड, पटैटो, शुगर केन,
बनाना, मैंगो और भी बहुत सारा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हम लोग लेते हैं, जो कि हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम लोग पीते हैं ना शुगर केन का जूस, तो ये सब जितना भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है हमारा सेलुलोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। और हमारा एक एक्टिविटी पढ़ना होगा जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार्च जो होता है जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन में हमारा स्टार्च जो होता है डार्क ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा एक एक्टिविटी है जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हमारा दूसरा है हमारा फैट। फैट जो है हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, फैट जो है हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, और ये जो है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है फैट। और ये हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये फ्यूल सॉर्स है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये हम लोग को पाया जाता है बटर, चीज़, घी और ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जितना भी ऑयल है हमारा उसमें हमारा फैट पाया जाता है। मतलब फैट जो हमारा एक एनर्जी गिविंग फूड है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड तो करता है और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसको फ्यूल सोर्स बोलते हैं हमारे बॉडी का। ये पाया जाता है बटर में, चीज़ में, जितना भी हमारा फैटी सबस्टांस है वे हम लोग जानते हैं जब हम उसको पेपर वगैरह पर रखेंगे तो वे हमारा तेलाहट टाइप का हो जाएगा और उस पर एक ट्रांसपेरेंट स्पॉट आ जाएगा। जब हम लोग कोई भी छना हुआ चीज़ हम लोग पेपर पर रखते हैं तो वे आर पार हम लोग को फिर लाइट में दिखता है, मतलब वे बता रहा है कि हाँ वे फैटी सबस्टांस है। और ज़्यादा हम लोग के अगर हम लोग के बॉडी में ज़्यादा फैट भी हार्मफुल होता है, क्योंकि वे हमारे मोटापे को लीड मोटापा हो जाता है। अगर हम लोग के बॉडी में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो हमारे बॉडी के लिए वे हार्मफुल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटापा, ओबेसिटी, इसका मतलब होता है मोटापा। मोटापा मतलब ज़्यादा फैट हो जाना हमारे बॉडी में, दैट इज ओबेसिटी। टू मच फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ये हमारा ओबेसिटी को बताता है। मतलब अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट हो गया है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ मोटापा हो गया, मोटापा, मोटे हो गए हैं, ओबेस हो गए हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी का डायरेक्ट मतलब यही होता है, मोटापा, ज़्यादा फैट का हमारे बॉडी में हो जाना ओबेसिटी ही होता है। और हम अभी बताएं कि फैटी सबस्टांस जो होता है ग्रीजी और ट्रांसपेरेंट स्पॉट छोड़ देता है पेपर पर। जब हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग पेपर पर रखते हैं, तेल वाला छना हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि ये फिर इस पर कुछ दाग आ जाता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का दाग आ जाता है, जो कि हमारा आर जिसको फिर हम लाइट में रखते हैं तो वे आर पार हम लोग को दिखता है, ट्रांसपेरेंट स्पॉट आ जाता है उस पर। जितना भी हमारा तेलाहा सबस्टांस है, वाइली सबस्टांस है, फैटी सबस्टांस है, वे जब भी हम पेपर पर रखते हैं तो उस पर एक ट्रांसपेरेंट स्पॉट आ जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, आगे तीन हमारा बाकी है, और फिर वाटर और रफेज के बारे में, विटामिन मिनरल और प्रोटीन हमारा अगले दिन पढ़ाई होगा। आज इतना ही, फिलहाल इतना रिवाइज करें।